दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एंड्रॉयड मोबाइल से आईफोन में 2 WhatsApp अकाउंट का डाटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप एंड्रॉयड से आईफोन में मूव टू iOS ऐप की सहायता से व्हाट्सएप का डाटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी यूजर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे पास 2 WhatsApp अकाउंट है, या तो क्लोन ऐप में भी हो सकता है या फिर आपका बिजनेस जो अकाउंट होता है व्हाट्सएप का, उसमें भी आपका डाटा हो सकता है। तो उसको आप कैसे एंड्रॉयड से आईफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं दोनों अकाउंट को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कैसे आप अपने एंड्रॉयड से आईफोन में 2 WhatsApp अकाउंट का डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, जो एंड्रॉयड मोबाइल में 2 WhatsApp अकाउंट है उनको आप गूगल ड्राइव में बैकअप कर सकते हैं, और उनका बैकअप का जो साइज होता है उसका आपका गूगल ड्राइव में वो ऐड नहीं होता है। जैसे कि आपके 15 GB का डाटा जो आपको मिलता है गूगल ड्राइव में, लेकिन अगर व्हाट्सएप का डाटा आपका हो सकता है 15 GB हो जाए, 30 GB हो जाए, वो उसका काउंट नहीं होता है आपका गूगल ड्राइव में। ये आपकी खासियत है, दोनों का आपका जो गूगल है और व्हाट्सएप का आपस में एग्रीमेंट है। और इसमें एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि आपको एटलीस्ट 5 मंथ से एक बार डाटा को बैकअप कर लेना है गूगल ड्राइव में, नहीं तो क्या होगा, आपका 5 मंथ्स के बाद में वो डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, जो आई क्लाउड का आपका स्टोरेज है उसमें जो व्हाट्सएप का बैकअप है वो काउंट होता है, जो आपको फ्री में 5 GB का स्टोरेज मिलता है। इनकेस आपका गूगल ड्राइव का बैकअप 5 GB का ज़्यादा है दोनों अकाउंट को मिला के, तो उसका आप आई क्लाउड में अपलोड और स्टोर नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका आई क्लाउड का स्टोरेज परचेज करना पड़ेगा, या फिर आपका जो व्हाट्सएप का डाटा है उसको आपको कम करना पड़ेगा। फॉरवर्डेड फोटोज वीडियोज है उनको आपको डिलीट करके उसको 5 GB के अंदर लाना पड़ेगा। दोस्तों, जो मैं स्टेप्स इस वीडियो में यूज करने जा रहा हूँ व्हाट्सएप को ट्रांसफर करने के लिए, वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप पॉज करके चाहे तो इनको रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद में मैं सीधे आपको अब आगे बताने जा रहा हूँ कैसे आपको ट्रांसफर करना है अपना व्हाट्सएप का डाटा को आईफोन में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में बता देता हूँ क्या स्टेप्स करने हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 WhatsApp ऐप है, एक तो नॉर्मल व्हाट्सएप है और एक बिजनेस ऐप है। आपकी क्लोन ऐप भी हो सकती है, दोनों प्रोसेस सेम ही है। और व्हाट्सएप बिजनेस में क्या होगा दोस्तों, इस प्रोसेस में हम जो ट्रांसफर करेंगे आपका एंड्रॉयड से आईफोन में डाटा, तो उसमें आपके लेबल्स और कैटलॉग वो आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन चैट्स और आपकी जो मीडिया लाइब्रेरी है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ये नॉर्मल फर्स्ट वाला व्हाट्सएप अकाउंट है मेरा, तो इसमें मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाके मुझे चैट्स में जाना है। इसके बाद में इसको आपको बैकअप कर देना है यहाँ पे, तो यहाँ से बैकअप कर देते हैं इसको गूगल ड्राइव में। तो ये मैंने यहाँ से बैकअप स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर में गूगल ड्राइव में इसका फुल बैकअप हो जाएगा। दोस्तों, ये बैकअप कंप्लीट हो गया है इस वाले अकाउंट का। अब दूसरे अकाउंट में हम जाते हैं, ये वाला बिजनेस अकाउंट है, इसमें भी हम सेटिंग्स में जाते हैं और उसको बैकअप करते हैं गूगल ड्राइव में। सेटिंग्स में गए, चैट्स में गए, उसके बाद में बैकअप में गए, इसके बाद में इसको बैकअप कर देते हैं गूगल ड्राइव में। तो दोस्तों, इसका भी बैकअप कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपका जो मेन व्हाट्सएप अकाउंट है उसको ट्रांसफर करेंगे आईफोन में यूजिंग मूव टू iOS, उसके बाद सेकंड अकाउंट को करेंगे। दोस्तों, एंड्रॉयड से आईफोन में व्हाट्सएप को कैसे ट्रांसफर करना है इसके ऊपर मैं मेरी पहली वीडियो आप जरूर देख लीजिए। वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के iOS प्लेलिस्ट में भी आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे इस वाले वीडियो में मैं थोड़े से स्टेप्स हो सकता है आपका कम कर दूँ, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं, वही यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने आईफोन को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, या फिर वो फैक्ट्री रीसेट कंडीशन में होना चाहिए। जैसे कि आप ब्रांड न्यू आईफोन खरीदते हैं, बॉक्स ओपन करते हैं तो सेम फैक्ट्री रीसेट कंडीशन होता है। अगर आपको रीसेट करना है तो उसके लिए सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको जनरल में जाना है। जनरल के बाद में आपको सेलेक्ट करना है ट्रांसफर और रीसेट दिस आईफोन। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है इरेज ऑल एंड कीप डाटा प्लान्स, नहीं तो क्या होगा, आपका ई सिम का डाटा भी डिलीट हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आप सबको सेलेक्ट करना है, इरेज ऑल एंड कीप डाटा प्लान्स। अब आपका दोस्तों आईफोन है और फैक्ट्री रीसेट हो गया है, तो इसको ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए लैंग्वेज, इसका रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, सेटअप मैनुअली आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क से यहाँ कनेक्ट कर लीजिए दोस्तों। और ये वाली स्क्रीन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे मूव डाटा फ्रॉम एंड्रॉइड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसका कंटिन्यू कर दीजिए और अपने एंड्रॉइड मोबाइल में मूव टू iOS ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसको कंटिन्यू कर दीजिए, एग्री कर दीजिए यहाँ से। अब आपको जो कोड यहाँ पे शो होगा आईफोन में वहाँ पे एंटर करना है आपको। दोस्तों, आपको एक आईफोन एक हॉटस्पॉट क्रिएट करेगा, उस हॉटस्पॉट से आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको ये शो नहीं होता है तो आपको वाईफाई जो नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं उन सबको फॉरगेट करना पड़ेगा। तो इससे हम कनेक्ट कर लेते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट यहाँ शो हो रहा है इससे।
अब यहाँ पे दोस्तों आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको कंटिन्यू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। अब आपका ये ट्रांसफ़र होना चालू हो गया है एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में मूव टू आईओएस ऐप के तहत से। ये ट्रांसफ़र आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक एप्पल आईडी आप बना लीजिए या पहले से आप हैं तो उसका एंटर करके उसका पासवर्ड यहाँ एंटर कर दीजिए। मेक दिस योर न्यू आईफोन ये सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको एक ऑप्शन शो होगा कि ऐड योर एंड्रॉयड ऐप्स टू ऐप स्टोर, तो आप इसको डोंट ऐड कर दीजिए फिलहाल के लिए। अब ऐप स्टोर में जाके दोस्तों व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें सेम ही नंबर से आपको लॉगिन कर देना है जो कि आपका एंड्रॉयड मोबाइल में नंबर से लॉगिन था आपका व्हाट्सएप। मूव चैट्स फ्रॉम एंड्रॉयड ऑप्शन आएगा तो चैट्स को आपको स्टार्ट कर देना है। उसकी सारी चैट्स आपने जो मूव टू आईओएस से ट्रांसफ़र की थी आपको यहाँ मिल जाएंगी। परमिशन दे दीजिए सारी फ़ोटोज़ की यहाँ पर। अब आपकी सारी चैट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी आपके आईफोन में। यहाँ पे अपना नाम एंटर कर सकते हैं आप और आप देख सकते हैं सारी चैट्स और मीडिया फाइल्स यहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र हो गई हैं आपके फर्स्ट व्हाट्सएप अकाउंट की। दोस्तों आप चैट बैकअप में आपको जाना है और इसको आपको अपलोड कर देना है आईक्लाउड में। जितना भी आपका व्हाट्सएप का डाटा है वो आईक्लाउड में अपलोड हो जाएगा उस अकाउंट नंबर से जिससे आपने ट्रांसफ़र किया है। दोस्तों अब आपका बैकअप कम्प्लीट हो गया, आईक्लाउड में आपका सारा व्हाट्सएप का डाटा यहाँ पे अपलोड हो गया है। दोस्तों आप एंड्रॉयड मोबाइल में जाते हैं और दोनों व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल करते हैं। तो व्हाट्सएप की ऐप है इसको इंस्टॉल करते हैं पहले, मेन ऐप है जो। इसमें आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है कीप ऐप डाटा, नहीं तो क्या होगा व्हाट्सएप का जो पुराना डाटा वापस आ जाएगा। तो इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपका अनइंस्टॉल हो गया। व्हाट्सएप जो बिजनेस अकाउंट है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और जो आपका क्लोन अकाउंट है वो भी आप सेम ऐसे ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट नहीं करना है आपको कीप ये डाटा को, नहीं तो वापस से आपका डाटा आ जाएगा। अब आपको प्ले स्टोर में जाना है और व्हाट्सएप ऐप को वापस से इंस्टॉल करना है आपको। यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए व्हाट्सएप को, ओपन कर लीजिए इसको, एग्री कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे वो वाला नंबर एंटर करना है जो कि आपका दूसरा अकाउंट का नंबर था, यानी कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट था या फिर आपका क्लोन अकाउंट जो दूसरा आपका नंबर था उसको एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ से। स्विचिंग टू व्हाट्सएप मैसेंजर विल डिलीट ऑल योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपके कैटलॉग हैं और आपके जो लेबल्स हैं वो आपके यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, तो इसको स्विच करते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पे एक कोड आएगा उसको एंटर कर दीजिए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है कॉन्टैक्ट एंड मैसेजेस टू एक्सेस फोटोज वीडियो, तो कंटिन्यू कर दीजिए इसको। उसके बाद अलाउ कर दीजिए कॉन्टैक्ट्स, मीडिया को अलाउ कर दीजिए। अब इसमें लुकिंग फॉर बैकअप आ रहा है, यानी आपने जो बैकअप उसमें डाला था अपना गूगल अकाउंट में उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से रिस्टोर कर देते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। नाम यहाँ पे एंटर कर लीजिए जो भी नाम था आपका। अब आपका दोस्तों दूसरा अकाउंट है जो व्हाट्सएप का वो मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब आपको इसको अब ट्रांसफ़र करना है मूव टू आईओएस से आईफोन में। तो आईफोन में हम वापस से इसको फैक्ट्री रिसेट करना पड़ेगा आईफोन को हमें। तो इसके लिए हम सेटिंग्स में जाते हैं जनरल में, इसके बाद में जाते हैं हम ट्रांसफ़र रिसेट आईफोन, रिसेट ऑल कंटेंट सेटिंग्स। अब आपका दोस्तों आईफोन वापस से फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। अब आपका फैक्ट्री रिसेट हो गया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों ये वाली स्क्रीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ वो सेलेक्ट करना है मूव डाटा फ्रॉम एंड्रॉयड, जैसे हमने पहले किया था वही सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपको एंड्रॉयड मोबाइल में मूव टू आईओएस ऐप को इंस्टॉल कर देना है और ये वाला कोड वहाँ पे एंटर करना है। मूव टू आईओएस ऐप है, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एग्री कर देते हैं, डोंट सेंड, इसके बाद कंटिन्यू, इसका कोड डाल देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है व्हाट्सएप, कंटिन्यू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से, ऑलमोस्ट डन, नेक्स्ट कर दीजिए, इसके बाद कंटिन्यू। अब आपका व्हाट्सएप जो सेकंड अकाउंट है वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका आईफोन में। ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू सेटिंग का आईफोन कर दीजिए। उसके बाद में आपका इसको एंड्रॉयड में डन करके इसको अलग कर दीजिए। एप्पल आई डी यहाँ पर एंटर कर दीजिए अपना। दोस्तों अब आपका आईफोन सेटअप हो गया है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है ऐड एंड्रॉयड ऐप्स टू हेयर, तो आप डोंट ऐड कर सकते हैं और अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल डोंट ऐड सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे केवल व्हाट्सएप ट्रांसफ़र करना था। दोस्तों अब अपने आईफोन में आपको ऐप स्टोर में जाना है और वहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करना है और व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर देना है।
दोस्तों यहाँ से व्हाट्सएप इंस्टॉल आपका हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको एग्री कंटिन्यू कर देते हैं। अब आपको सेम ही नंबर से यहाँ से लॉगिन करना है, जो नंबर आपका उसमें था सेकेंडरी आपका व्हाट्सएप अकाउंट था एंड्रॉइड मोबाइल में, उसे लॉगिन करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल गया मूव चैट्स फ्रॉम एंड्रॉइड, तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। परमिशन नीडेड, तो इसको स्टार्ट करते हैं और सब परमिशन दे देते हैं। अलाउ एक्सेस टू ऑल फोटोज, आपकी सारी चैट्स यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपका नाम जो भी यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप, डन कर दीजिए यहाँ से। व्हाट्सएप वुड लाइक टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, ओके कर दीजिए। दोस्तों अब आपका सेकंड अकाउंट भी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। अब सेटिंग्स में जाके इसको आईक्लाउड में अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ चैट्स में जाते हैं और इसके बाद में चैट बैकअप में जाते हैं और चैट बैकअप नाउ कर देते हैं। आपका ये बैकअप हो गया है। अब इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैं इसको अब इंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों अब आपको क्या करना है, व्हाट्सएप को दोबारा से इंस्टॉल करना है और फर्स्ट जो अकाउंट है आपको उससे आपको लॉगिन करना है और आपका आईक्लाउड से उसको रिस्टोर कर देना है। उसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और उसमें जो आपका सेकंड मोबाइल नंबर है उसे एंटर करके उसका जो आईक्लाउड का बैकअप उसे रिस्टोर कर देना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐप स्टोर में जाते हैं, व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं, ओपन कर लीजिए, एग्री कंटिन्यू कर दीजिए, मोबाइल नंबर आपका एंटर कर लीजिए, डन कर दीजिए। अब इसमें ऑप्शन दोस्तों आपके पास आ गया है रिस्टोर का, रिस्टोर फ्रॉम द आईक्लाउड, तो रिस्टोर कर दीजिए इसको। दोस्तों रिस्टोर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कर दीजिए, ये नाम आपका डाल दीजिए जो भी पहले नाम था आपका। तो आपका ये पूरा व्हाट्सएप आप फर्स्ट जो अकाउंट है यहाँ पे रिस्टोर हो गया। अब दूसरे अकाउंट के लिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस ऐप इंस्टॉल करनी है। ऐप स्टोर में जाते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना व्हाट्सएप बिजनेस, ये वाली ऐप है, इसको इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों दोनों ऑप्शन में आपका व्हाट्सएप बिजनेस ऐप काम करेगी, या तो आपका एंड्रॉयड में जो क्लोन अकाउंट था व्हाट्सएप का या फिर आपका बिजनेस अकाउंट था, दोनों की चैट आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंट में रिस्टोर कर सकते हैं। ये आपका बिजनेस जो ऐप है इंस्टॉल हो गया है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको इस स्क्रीन पे यूज ए डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करना है, क्योंकि पहला तो आपका व्हाट्सएप अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में। आपको यूज ए डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करना है और जो आपका सेकेंड मोबाइल नंबर था वहाँ पर आपको एंटर करना है, डन कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन आ गया रिस्टोर फ्रॉम आईक्लाउड, तो अब इसको जो पहले हमने बैकअप किया था आईक्लाउड में रिस्टोर कर सकते हैं, तो रिस्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। आपका यहाँ पे नाम और बिजनेस कैटेगरी वो सब आपका एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अब बिजनेस अकाउंट में चला गया है, तो कुछ बना लेते हैं इसको। बिजनेस प्रोफाइल कैटलॉग मैसेजिंग टूल नॉट नाउ। अब दोस्तों आपका दोनों अकाउंट व्हाट्सएप के यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं एंड्रॉइड से आईफोन में। ये आपका एक मेन अकाउंट था, ये आपका सेकेंडरी जो क्लोन या फिर बिजनेस अकाउंट था, ये आपका आ चुका है आईफोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप एंड्रॉइड मोबाइल से आईफोन में दो व्हाट्सएप अकाउंट आपके ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और आपका कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने के लिए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।